हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गैलेंट ऑबी शो। और आज हमारे साथ है दीपक त्रिपाठी जी। हेलो। एंड ये हमारे गैलेंट ऑबिट के जो भी मैन्युफैक्चर यूनिट होता है उन सबको देखते हैं, जो भी कंप्लीट मॉड्यूलर फर्नीचर से रिलेटेड होता है वो सब दीपक जी देखते हैं। और आज हम इनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं मॉड्यूलर से रिलेटेड, तो बने रहे इस वीडियो में। सो हेलो सर, आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माय नेम इज दीपक त्रिपाठी और हम मॉड्यूलर फर्नीचर बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हम गैलेंट से देखते हैं पूरा। और हमारे पास टीम है जो हर तरह का पूरा वर्क करती है और मशीन से लेके सारा सब कुछ मॉड्यूलर से लेके जितने भी टूल्स हैं सारे जो है कॉम्प्लीट सारी चीज़ें देखते हैं। सो दीपक सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉड्यूलर फर्नीचर ही क्या होता है? मॉड्यूलर फर्नीचर में होता क्या है कि जिस मॉड्यूलर फर्नीचर में जो फर्नीचर हम बनाते हैं उसको हम डिसमेंटल और असेंबल दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट ये है, तो वो क्या है कि अलग अगर आप कारपेंट्री वर्क से अगर हम कराते हैं तो वो चीज़ इसमें नहीं हो सकता है। इसको इसी हिसाब से बनाते हैं सो दैट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो अपने फैक्ट्री में हम उसको हम असेंबल और डिसम्बल करके रखते हैं। उसके बाद यहाँ से सारा सब कुछ करके फिर वो जिस स्पेस पे आपका जा रहा सामान वहाँ पे हम असेंबल करते हैं। या फिर हम चाहे तो हम कहीं और भी अपना घर चेंज कर रहे हैं तो फिर हमने उनको और फिर कहीं और ले रहे हैं स्मॉल, उसको करके फिर हम वहाँ पे असेंबल कर सकते हैं जहाँ पे आपको साइट है। अच्छा। और इसके साथ साथ हम डिजाइन भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कटिंग जो नहीं कर पाते हैं इजिली हम हाथ से, तो हम मॉड्यूलर के थ्रू जो वहाँ पे मशीनें हैं जैसे लेजर मशीन है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम नहीं हम शार्प की तरह हम कटिंग कर सकते हैं, उससे हम हेल्प लेके बहुत सारी डिजाइन हम बिल्ड कर सकते हैं। ओके। सो इसी से मेरा दूसरा सवाल है सर कि कारपेंट्री और मॉड्यूलर में क्या फर्क है, या जो मटेरियल होता है क्या वो कारपेंट्री में सेम यूज होता है या मॉड्यूलर में सेम यूज होता है, या अगर कोई मॉड्यूलर है तो क्या उसमें मटेरियल चेंज हो जाता है? तो ये एक कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर है। कारपेंट्री में क्या होता है कि कारपेंट्री वर्क में बहुत सारी चीजें क्या होती है, जैसे हम जब स्टार्ट करते हैं बनाना तो उसमें एक तो टाइम बहुत लगता है, ठीक है, मुझे सारा सामान अरेंज करना पड़ता है और छोटी छोटी चीजें जो हमें फिर मार्केट से लेनी पड़ती हैं। और मॉड्यूलर में क्या है, मॉड्यूलर में आपको सारा सब कुछ एक ही फैक्ट्री में सारा सब कुछ मिल जाता है। और उसके साथ साथ क्या है कि दोनों में फिनिशिंग का बहुत फर्क होता है। जैसे हम माइका प्रेस करते हैं या लीनियर प्रेसिंग करते हैं, हम मशीन से करते हैं हैंड से करते हैं, तो हैंड में क्या होता है कभी कभी उसमें बबल आ जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर आपको फिर से नया सनमाइका पेस्ट करना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग रहता है। हमारे पास जो मॉड्यूलर में क्या है कि उस समय हमारे पास मशीनें हैं सो दैट वो आपकी फिन जो माइका प्रेसिंग है या हमें एज बेंडिंग टेप लगानी है उसमें आपको ईजी रहता है। वो क्या है कि अगर आपका ज़्यादा लंबा बड़ा काम है, ज़्यादा वैल्यू का काम है, तो हम उसको ईजी हम 5-6 दिन के अंदर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसमें अगर हम कारपेंट्री में करेंगे तो इसमें लॉन्ग टाइम चलता है, इसका फर्क पड़ता है। और जो मेरा सवाल है कि लोग जानना चाहते हैं कारपेंट्री और मॉड्यूलर की प्राइसिंग क्या होती है, कितना डिफरेंस होता है, क्या मतलब एक कॉस्ट जाती है? एक कॉस्ट तो मैम अगर मॉड्यूलर की तरफ चलते हैं तो कॉस्ट ऑब्वियसली कम रहता है प्राइस। और कारपेंट्री में क्या होता है कि कारपेंट्री में ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है क्योंकि वो लोग क्या है कि वर्क करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ एक हमें सुपरवाइजर उनको रखना पड़ता है देखने के, वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, पहले कॉन्ट्रैक्टर रहेगा फिर कारपेंटर वर्क करेगा, तो उसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, इस वजह से प्राइस जो है गेन कर जाता है। उनको मार्केट से परचेस करना पड़ता है और उनको जो कॉस्ट होती है उनको जो प्राइस मिलते हैं, वैसे प्लाईवुड तो हम बाहर से ही परचेस करते हैं, तो परचेस बाहर से करते हैं उनको कॉस्ट ऑब्वियसली फैक्ट्री रेट तो नहीं मिलेगा कि हमारी जो फैक्ट्री जो में हम फैक्ट्री में बनाते हैं मॉड्यूलर फर्नीचर की तरह, वो बाहर से कंपनी डायरेक्ट प्राइस कोट करती है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको गैलेंट को लेके क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा गैलेंट तो इस वक्त इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कंपनी हो गई है और बहुत सारे इंडिया में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इधर से रिस्पांस भी हमारी तरफ से अच्छा आ रहा है, सब क्लाइंट भी सेटिस्फाई है, तो मे बी हम चाहेंगे कि आप लोग आइए और एक बार मीटिंग करिए, मिलिए और देखिए प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये चीज तो है कि हम हमारा यही तो मोटो है ना सर कि हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, या जो भी क्लाइंट है जो भी उनका बजट है हम उनको उनके बजट में सॉल्यूशन दे एंड वो हैप्पी फील करे, क्योंकि एक दिन हर इंसान चाहता है कि वो कहीं पैसा लगा रहे तो उनको वो सेटिस्फेक्शन मिले और कंपनी भी आप ऐसी हो जिसपे आप थोड़ा रिलाई कर सके।
सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही क्विक था बट आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, सो थैंक यू।